मम्मा नहीं रही अब हमारे बीच, ये इससे बुरी बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती, पूरी फैमिली के लिए। और सब लोग एकदम टूट गए हैं, बिखर गए हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पागल हो गए हैं सब। पापा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं, कोई इस बात पे यकीन जल्दी से कर, अभी तक कोई इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा है कि मम्मी नहीं है हमारे बीच। कोई खाना नहीं खा रहा है, सब बीमार हो रहे हैं, बड़ी नानी बीमार पड़ गई हैं, रोज़ भाभी बीमार पड़ गई हैं, सबकी हालत एकदम ख़राब है। और मैं अपने रूम से नीचे आती हूँ, सबको देखती हूँ, तो मैं खुद डर जाती हूँ कि अब मैं और किसी को नहीं खोना चाहती। मैंने अपनी माँ खो दी, अब मैं नहीं चाहती कि मैं और किसी को खो। फिर मैं कोशिश करती हूँ, बड़ी दादी दवाई नहीं ले रही है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और यू नो ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो मैं नहीं चाहती कि किसी को कुछ भी हो। इसकी वजह से मैं कोशिश करती हूँ दादी को दवाई खिलाने की, कोशिश करती हूँ सबसे बात करने की, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। और ऐसी सिचुएशन में जो बुआ दादी हैं, वो जो तेरहवीं जो पूजा होती है डेथ के बाद जो पूजा होती है, उसके लिए बुआ दादी बोलती हैं कि वो पूजा करनी है, लेकिन मुझसे ना मैं उनको हाँ बोल पा रही हूँ इस चीज़ के लिए कि आप पूजा कर लो, ना कोई पूरी फैमिली, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कोई अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा है कि शी इज़ नो मोर, एंड मरने के बाद वाली जो पूजा होती है वो करने के लिए बड़ी दादी बोल रही है। पर कहीं ना कहीं मुझे पता है ये पूजा ज़रूरी है, तो मैं अग्री करती हूँ बाद में जाके बड़ी दादी से, बड़ी बुआ दादी की बात। तो आप सबके सामने बेसिकली अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करेंगे कि दैट्स द ओनली ऑप्शन यू हैव, यस दैट्स द ओनली ऑप्शन आई हैव, बिकॉज सब लोग ऑलरेडी इतना वीक है, और मैं नहीं चाहती कि मुझे देख के वो लोग यू नो उनकी हिम्मत और टूट जाए। हिम्मत तो बची नहीं है किसी में, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो थोड़ी 1% भी है वो भी टूट जाए। तो मैं अपने आप को ऑब्वियसली अक्षरा की जगह तो नहीं ले सकती, माँ की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि पूरी फैमिली को जैसे वो संभालती थी अब मैं संभाल पाऊँ। लास्टली कार्तिक को बचाने की कोशिश करेंगे, कार्तिक की तरफ मुझे मुझे कहीं ना कहीं, बिकॉज कार्तिक मेरा प्यार है, और मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ है, लगती है कि कार्तिक नहीं कर सकता, लेकिन सारे सबूत, सारी इन्वेस्टिगेशन, जो भी पुलिस ने जो भी चीज़ स्टडी की है, सब कुछ कार्तिक के अगेंस्ट है। सब हर चीज़ से यही पता चल रहा है, यही प्रूफ हो रहा है कि एक्सीडेंट कार्तिक से ही हुआ है। मुझे कहीं ना कहीं पता है कि वो नशे में भी था, वो नशे में था शायद, इसलिए हो सकता है, क्योंकि मेरी कार्तिक से बात होती है जब वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, वो नशे में था, और पुलिस भी बोलती है वो लाइक ड्रिंक एंड ड्राइव का केस था, और इसकी वजह से स्पीड में थी और मम्मी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे ना चाहते हुए भी ये बात माननी पड़ रही है कि मेरी मम्मा की डेथ का जिम्मेदार कार्तिक है। सो ऑब्वियसली माँ को, जब आपको पता चलेगा कि आपकी माँ उस इंसान की वजह से यू नो उस इंसान की वजह से अब आप लोगों के बीच में नहीं है, तो किसी को भी मतलब आई एम फीलिंग टेरेबल कि एक तरफ मेरा प्यार है और मेरी माँ नहीं रही, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो अभी मैं ना कार्तिक के सपोर्ट में हूँ, ना कार्तिक के अगेंस्ट हूँ।